दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की बैंक यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड से कुछ डायरेक्टर को हटाने और उनकी जगह नए डायरेक्टर को नियुक्त करने की मांग की है। अगर यस बैंक की डायरेक्टरों को हटाने की कोशिश नाकाम रहती है तो वो कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार कर सकती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यस बैंक ये डिश टीवी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उसके पास 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। यस बैंक डिश टीवी के वित्त आंकड़ों को समझने और उसके प्रदर्शन को सुधारने से जुड़े उपाय में दिलचस्पी दिखा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यस बैंक का ये कदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और वो नए बोर्ड को नियुक्त करके यानी अपॉइंट करके बिजनेस को पटरी पर वापस लाना चाहती है। और दोस्तों सोर्सेस ने बताया है कि अगर यस बैंक कंपनी के बोर्ड में नए डायरेक्टर नियुक्त नहीं कर पाती है तो वो कानूनी रास्ता अपनाने पर विचार करेगी। सोर्सेस ने बताया है कि बैंक डिश टीवी की तरफ से किए गए अलग अलग निवेशकों को लेकर भी गंभीर है और बैंक का मानना है कि इनसे जुड़े दस्तावेज संतुष्ट करने लायक नहीं हैं। इससे पहले यस बैंक ने डिश टीवी में कुछ संदिग्ध निवेश होने की भी आशंका जताई थी और अब यस बैंक इस मामले में अब फॉरेंसिक ऑडिट करना चाहती है। यस बैंक को जिस इन्वेस्टर पर शक है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म वॉडू में डिश टीवी के 1380 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर है। तो दोस्तों यस बैंक इस मामले में अभी बहुत ज्यादा गंभीर है और जल्दी ही इसमें कुछ अहम कदम उठा सकती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट यस बैंक को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।